नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में गंगा में विसर्जित की जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार पुत्र अखिलेश यादव, भाई शिवपाल सिंह यादव समेत तमाम परिजन और करीबी मुलायम सिंह यादव का अस्थि कलश लेकर हरिद्वार के VIP घाट पहुंचेंगे, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियों के अलावा साधु संत उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। बीते 10 अक्टूबर को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि सभा के बाद हर की पौड़ी के ब्रह्मा कुंड पर नेताजी की अस्थियों को वैदिक मंत्रोच्चारण और रीति रिवाज के साथ गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, जिसके लिए तीर्थ पुरोहितों ने तैयारी पूरी कर ली है। उधर VIP की तरफ से अगर हम बात कर ले तो पूरी तैयारियां वहां हो चुकी हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सत्यनारायण का कहना है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की अस्थिया को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ हरिद्वार आ रहे हैं। आपको बता दें कि VIP घाट पर मुलायम सिंह यादव को पार्टी कार्यकर्ता श्रद्धांजलि देंगे, उनके बाद उनके अस्थि कलश में गंगा में विधि विधान के साथ प्रवाह किया जाएगा। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि अस्थि प्रवाह VIP घाट पर होगा या हर की पौड़ी पर, तो उनका कहना था कि कार्यक्रम VIP घाट पर ही होगा। वहीं हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अस्थि का विसर्जन हर की पौड़ी ब्रह्मा कुंड पर किया जा सकता है। बहरहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ अस्थि विसर्जन को लेकर के तमाम तैयारियाँ हो चुकी हैं, और यहाँ हम आपको सबसे बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने परिवार समेत कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो हरिद्वार पहुँच चुके हैं। और ऐसे में देखा यही जा रहा है कि उनके हरिद्वार पहुँचने के बाद जो है अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यहाँ पर जो है उनके अस्थि विसर्जन के बाद अखिलेश यादव का कोई बड़ा बयान सामने आ सकता है, उनके यादव परिवार को लेकर के और समाजवादी पार्टी को लेकर के। फिलहाल तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।